उड़ीसा भारत के ऐतिहासिक तौर पर सबसे भरपूर राज्यों में गिना जाता है, जिसके किलों, मंदिरों और अन्य इमारतों ने भारत की संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में अहम योगदान दिया। मंदिरों की बात करें तो भारत के प्राचीन सूर्य मंदिरों में शुमार कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ साथ यहाँ एक और ऐसा मंदिर है जिसने न सिर्फ भारत की आध्यात्मिक धरोहर में चार चांद लगाए, बल्कि जिस जगह पर यह मौजूद है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान दी। ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ग्रैंड रोड पर मौजूद जगन्नाथ मंदिर भारत के प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चार युगों में से एक कलयुग में भगवान जगन्नाथ को विष्णु के अवतार के तौर पर पूजा जाता है, जिसके आधार पर बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पूरी चार धामों में गिना जाता है, जहां पर दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला जगन्नाथ मंदिर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है और इसके परिसर में करीब 120 पूजा घर हैं। इस मंदिर से जुड़े कई ऐतिहासिक पहलू हैं, जिनके बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते। आइए आपको इसकी दिव्य यात्रा पर ले चलते हैं। पुरी का उल्लेख हमें महाभारत के साथ साथ ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण जैसी 4वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक लिखे हुए ग्रंथों में मिलता है। इनमें से कई इस बात का दावा करते हैं कि मालव शासक इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर को उसका मूल रूप दिया। वहीं इस मंदिर की इतिवृत्त मंडल पंजी के अनुसार मध्य 10वीं शताब्दी तक कई वैष्णव भक्त उड़ीसा में आकर बसने लगे थे और इस दौरान ययाति प्रथम ने यहां पर सोमवंशी साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने यहां नरसिंह को समर्पित एक मंदिर के साथ साथ जगन्नाथ मंदिर को उसका शुरुआती आकार दिया, मगर इसके आगे के काम में रुकावट क्यों आई ये आज एक रहस्य है। जो मंदिर हम आज देखते हैं उसका निर्माण 12वीं शताब्दी के अंत में पहले गंगा सम्राट अनंत वर्मन चोडगंगा के काल में हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि आने वाले शासकों अनंग भीम देव द्वितीय और अनंग भीम देव तृतीय ने इसके निर्माण कार्य को पूरा किया। अब पुरी में कई श्रद्धालु, संतों और विद्वानों का तांता लगना शुरू हुआ, जिनमें प्रमुख थे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने यहाँ पर गोवर्धन पीठ की स्थापना की। ये उनके द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक थी, जिनमें कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका और उत्तराखंड में बद्रीनाथ शामिल हैं। 15वीं शताब्दी के मध्य और 16वीं शताब्दी के अंत में गजपति शासकों के राजकाल के दौरान यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन होने लगा था, जो पहले मंत्र जापने के माध्यम से किए जाते थे। आज इस रथ यात्रा को देखने के लिए भारत और विश्व के अन्य हिस्सों से बहुत लोग आते हैं। यहाँ पर प्रयोग किए रथ की ऊंचाई 45 फीट है और इसमें करीब 16 पहिए होते हैं। इस यात्रा से भगवान जगन्नाथ को गुड़िंचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां वे 7 दिन विश्राम करते हैं और इसके बाद उनकी वापसी होती है। जगन्नाथ मंदिर पर कई संतों और महात्माओं ने अपने कदम जमाए थे, जिनमें से अधिकतर वैष्णव समुदाय से थे, मगर बहुत लोग ये नहीं जानते कि इसका सिख धर्म से भी काफी गहरा नाता है। दंत कथाओं के अनुसार अपनी पहली उदासी या यात्रा के दौरान सन 1500 से लेकर 1506 के बीच सिखों के पहले गुरु नानक जब पुरी आए थे,
तब उन्होंने यहाँ पर अपने प्यासे भक्तों को एक कुआं खोदने के लिए कहा था, जिसमें करीब मौजूद समुद्र से पानी लाया गया। जहाँ ये कुआं मौजूद है वो आज बावली मठ गुरुद्वारा के नाम से मशहूर है, जो मंदिर परिसर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि नानक ने सिखों की आरती गगनमाई थाल यहीं पर गाई थी। 14 अप्रैल सन 1699 में जब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तब उन्होंने पंज प्यारों का गठन किया था, जो इस पंथ की नींव थी। इन्हीं में शामिल थे हिम्मत राय, जो पुरी के रहने वाले थे, और इनका नाम भाई हिम्मत सिंह रख दिया गया था, जो सन 1705 में चमकौर के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। वहीं पंजाब के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह ने मृत्यु से पहले अपने वसीहत नामे में कोहिनूर हीरा के जगन्नाथ मंदिर को देने की बात कही थी। गौरतलब है कि इस मंदिर को रणजीत सिंह से काफी सोना और चांदी मिला था, बावजूद इसके कि उनकी यहाँ आने की इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई। दुर्भाग्यवश रणजीत सिंह के मृत्यु के ठीक 10 साल बाद दूसरे आंगल सिख युद्ध में सिखों की हार के बाद यह हीरा अंग्रेजों के हाथ लगा। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर एक अंग्रेजी शब्द का मूल स्रोत है? बहुत लोग आज भी इस बात से नावाकिफ हैं कि इस मंदिर के सामने आयोजित रथ यात्राओं में प्रयोग हो रहे रथों से प्रेरित अंग्रेजी शब्द जगरनॉट उपजा है। 19वीं शताब्दी से इस्तेमाल हो रहे इस शब्द का अर्थ एक विशाल और प्रभावशाली शक्ति या बल है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के साथ साथ जगन्नाथ मंदिर के पास भी दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक रसोई या लंगर होने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ करीब 250 चूल्हे और 150 बावर्ची हैं, जो एक बार लगभग 100 पकवान बनाते हैं, जिसके कारण ये मंदिर एक वक्त पर लगभग 1,00,000 लोगों को खाना खिलाने की क्षमता रखता है। यहाँ परोसा गया महाप्रसाद कई साहित्यकारों के कार्यों में अपनी जगह बना चुका है, जिनमें से एक भक्ति कवि साल बेग की कविताएं शामिल थीं, जिनकी समाधि आज जगन्नाथ मंदिर के करीब मौजूद है, और रथ यात्रा के रिवाज में इनकी बहुत महत्वता है। रथ यात्रा के साथ साथ जगन्नाथ मंदिर में और भी कई त्योहारों को देखने के लिए दूर दराज इलाकों से भारी तादाद में आते हैं। मंदिर की धार्मिक महत्वता के कारण पुरी, भुवनेश्वर और कटक के साथ उड़ीसा के पर्यटन क्षेत्र के स्वर्णिम त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर आध्यात्मिकता, परंपरा, कला और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।